राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। जबरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस जरूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इश्यूज जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें, अपनी कुंडली दिखाना चाहें और अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही फैसिलिटीज चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आप अगर ट्रस्ट कर सकें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने तीनों डेक पहले ही शफल कर लिए थे। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिलें। तो आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि व्यूअर्स जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है 7 of Swords, नेक्स्ट 4 of Cups एंड Ace of Cups, नेक्स्ट कार्ड 9 of Wands एंड 5 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। चलिए मैं आपको अभी कार्ड शो कर रही हूँ आपके लिए। आपके पर्सन के जो कार्ड्स थे, फर्स्ट कार्ड था आपके पर्सन का 7 of Swords, 4 of Cups एंड Ace of Cups, 9 of Wands एंड 5 of Cups। क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ 5 of Cups का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 5 of Cups का क्लैरिफिकेशन दीजिए। प्लीज़ 5 of Cups का क्लैरिफिकेशन। 5 of Cups का क्लैरिफिकेशन 9 of Cups से आया है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 7 of Swords, कहीं ना कहीं कोई चीटिंग हुई है उनके साथ, या फिर इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, या फिर इन्हें ये लगता है कि आपने इनके साथ चीटिंग की है। चीटिंग की एनर्जी आई है। और कुछ अगर इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है तो ये पास्ट में देख रहे हैं। वो इन्होंने अगर चीटिंग कर दी है तो वो जो चीटिंग का सिनेरियो बना था उसने दर्द इनको भी दिया। जो कुछ भी घटना घटी होगी वो दर्द इनको भी दे रही, इनको भी दर्द मिला आपसे चीटिंग करते हुए। हो सकता है इन्होंने मजबूरी में आपके साथ चीटिंग की हो। चीटिंग का मीनिंग है, हो सकता है इनकी फैमिली अग्री ना हो, या आप में से कोई मैरिड हो तो जिसकी वजह से आप लोगों का ये कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो सकता था, तो मजबूरी में इनको मूव ऑन करना पड़ा था। लेकिन ये कितना भी आगे गए हों लेकिन मुड़ के आपको ही देख रहे थे, आपको ही मिस कर रहे थे। उस पेन को लेके ये चलते ज़रूर गए लेकिन पलट के आपको ही देख रहे थे और एक उम्मीद लगा बैठे थे कि आप स्ट्रांगनेस दिखाओगे और आप खुद में संभल जाओगे। ये आपको नहीं संभाल सके लेकिन उम्मीद ये लगा ली थी काश आप संभल जाओ, और जैसा कि आपने किया भी है, आप खुद में संभल भी गए हो। जब आप खुद संभले हो, आपने सेल्फ रेस्पेक्ट को वैल्यू दी, अपनी वैल्यू जब समझी है, तब इन्हें आपकी एनर्जी मिलना बंद हुई। अभी तक ये आपकी एनर्जी लेके चलते गए लेकिन अब जब आपने खुद की वैल्यू समझी तो फिर इन्हें आपकी एनर्जी नहीं मिली और अब ये सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ, मेरा पर्सन कहाँ गया। तो सोचना पड़ेगा क्योंकि जब आप थे इनकी ज़िंदगी में तब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, तब ये दूसरों को वैल्यू दे रहे थे, तब ये हर बात को हंसी मजाक में उड़ा रहे थे। इन्हें ये एहसास नहीं हो रहा था कि कौन सी बातें आपको किस लेवल का पेन दे रही हैं, इस बात का इनको एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने खुद को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू किया वैसे ही इनको समझ जाने लगा कि अब इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए इन्हें लगता है कि अब आप मानोगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने किस लेवल की गलतियां की हैं जाने अनजाने में। ये कुछ गलतियां ऐसी भी हो सकती हैं जिसका इन्हें एहसास ही ना हो कि ये गलतियां भी थीं इनकी। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत भी हो सकता है, इनके रिश्ते के लिए गलत भी था, इस बात का इन्हें एहसास भी ना हो, लेकिन उससे आपको पेन बहुत बड़ा मिला। लेकिन अब उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि हाँ वो इंसिडेंट जो हुआ था कहीं उसकी वजह से तो आप नाराज़ नहीं हो गए, इस वजह से तो नाराज़ नहीं हो गए। तो ये इनकी एनर्जी है, लेकिन इनको अब ये एहसास हो गया है कि आप आसानी से मानने वाले तो नहीं हो। अब ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर मेरा रिश्ता फिर से संभाल दीजिए, मेरे पर्सन को फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस ले आइए। और अब ये जो अभी तक सभी फैमिली मेम्बर्स को बांध के रखना, सबसे बांध के रखने का मीनिंग है कनेक्शन बना के रखना, सबसे सबको लव देना, सबको प्रायोरिटी देना, तो अब ये इनसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास अब वो एनर्जी नहीं बची। आपकी एनर्जी से ये सबको लव ऑफर कर रहे थे, आपका लव ये सबको ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब इनके जब आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया तो इनको एनर्जी मिली नहीं, अब इनके पास वो एनर्जी है नहीं जो, तो ये बांटें किसको। तो फिर ये आइसोलेशन में गए हैं। इस समय आपके पर्सन मुझे आइसोलेशन में फील हो रहे हैं, उस आइसोलेशन में ये सब एनालिसिस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आखिर खराब क्यों हुआ, इनकी तरफ से क्या गलतियां हो गई।
कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि आपने आप तो बहुत जगह सही थे और ये बहुत जगह गलत थे, ये बात ये फील कर पा रहे हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर मेरा कप मेरे पर्सन तक पहुंचा दीजिए, मेरे पर्सन को मेरी ज़िंदगी में वापस ले आइए। ये फिर भी इनको एक उम्मीद है, इन्हें उम्मीद अपने आप से नहीं, इन्हें उम्मीद आपसे है कि आप इतने अच्छे हो कि आपने सबको माफ़ किया, तो एक बार इनको एक मौका ज़रूर दोगे, इनको माफ़ ज़रूर करोगे, ऐसी इनकी फीलिंग है। और कहीं ना कहीं ये होप डिवाइन ने इनके दिल में डाली है। डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि तुम अब सही राह पे चलना तो शुरू करो, तुम वो सारी बातें एक्सेप्ट तो करो जो कभी तुम्हारा पर्सन कहा करता था, तो तुम्हें तुम्हारा पर्सन वापस तुम्हारी ज़िंदगी में मिल जाएगा। ये होप इनको डिवाइन ने दी है, क्योंकि डिवाइन को तो पता है ना कि आप कितने प्यारे हो, और इसी होप की वजह से ये कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइन का डिवाइन न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, डिवाइन इनको समझा रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन ने इनको, यहाँ पे एक डिवाइन का हैंड है, ये क्लाउड है और ये कप है, डिवाइन इनको दे रहे हैं, इनको नहीं समझ आया क्योंकि आइसोलेशन में थे, इन्हें ये लगा कि बस मैं ही खराब हूँ, गिल्ट में भी गए कि मैं ही खराब हूँ, मैंने ही सारी गलतियाँ, खुद को ब्लेम करना, ये जब इन्होंने शुरू किया तो फिर ईश्वर का प्यार इन पे बरसा, ईश्वर ने इनको अंदर इनकी सोल में इनको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, जो कुछ तुमसे हुआ वो भी तुम्हारे पर्सन की अवेकनिंग के लिए, तुम्हारे पर्सन को वो पुश मिले ताकि वो खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करे, इस वजह से तुम्हारे थ्रू ऐसा कराया गया है। डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, वो सब यूनिवर्स का प्लान था, क्योंकि तुम सब अपने अपने एक पाथ पे हो, तुम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, इसलिए तुम्हारे पर्सन को भी अवेकनिंग की तरफ जाना, तुम्हारे पर्सन को भी डिवोशन के पाथ पे जाना था, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान देना था, जो कि तुम्हारा पर्सन नहीं दे रहा था, तो उसके लिए तुम्हारे थ्रू पेन दिलाया गया, तुम गलत नहीं हो। डिवाइन इनको हील कर रहे हैं और इस हीलिंग के बाद में, ईश्वर के द्वारा मिली इस हीलिंग के बाद में, ये फिर से स्ट्रगल करेंगे इस रिश्ते को संभालने की। हालांकि मन इनका जख्मी बहुत हो चुका है, दर्द इनको बहुत है, फिर भी ये जीतेंगे, फिर भी ये फोर ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल जाएंगे, क्योंकि डिवाइन इनको संभाल रहे हैं, डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि तुम गिल्ट में मत जाओ, अभी भी समय है, अभी भी तुम सारी चीज़ें संभाल सकते हो। तो ये फिर कोशिश करेंगे और इनके लिए आपकी तरफ बढ़ना आसान नहीं होगा। इनकी खुद की सिचुएशन, फैमिली, जॉब, बिजनेस और कास्ट फैक्टर या रिलीजियस फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, या फिर खुद आप भी इस एनर्जी में हो सकते हो कि अब आप इनको माफ़ करना नहीं चाहते होंगे, आपने बहुत पेन सहा है, अब दोबारा से आप उस पेन में नहीं जाना चाहते, इनको चेज करने का दर्द आपने बहुत सहा है, इस दर्द में आप दोबारा नहीं जाना चाहोगे, इसलिए इनका आपकी तरफ आना आसान भी नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी फर्स्ट अगर कोशिश करेंगे इस सेपरेशन के बाद ये आपको मनाने की, तो हो सकता है आप माने भी नहीं, हो सकता है आप इनको सुने भी नहीं, क्योंकि ये मुझे नियर फ्यूचर यानी करंट में तो मुझे डिवाइन इनको हील करते हुए मुझे फील हो रहे हैं, डिवाइन इनको हील कर रहे हैं करंट में, तो आप जिस भी ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो इनको हील कर रहे हैं, लेकिन इस हीलिंग से निकल के जब ये अफर्ट डालेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, उस कोशिश में भी इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये हो सकता है जॉब, बिजनेस, जो भी सिनेरियो रहा है, इनकी फैमिली का फैक्टर रहे, तो वहाँ से ये आसानी से निकल, या तो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, या फिर आपकी तरफ आएंगे तो हो सकता है आपने रेजिडेंस चेंज किया हो, या आपने ब्लॉक किया हो, या आप इनको एक्सेप्ट ना करो, कोई भी सिचुएशन ऐसी होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ये सक्सेस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आप भी हो सकता है हो कि आप इनको माफ़ ना करो, अगर आप नहीं माफ़ करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हो जाएं, तो उनको चेज ना करें, आप बिना चेज किए उनको माफ़ कर दें आप उनको फ्री कर दें, कि आपको तो ये ध्यान रखना है कि आपको डिवोशन के पाथ पे जाना है, आपको ईश्वर को पाने की राह में जाना है, आपको मुक्ति की तरफ जाना है, क्योंकि एट लास्ट जो ट्रू है, जो ट्रुथ है यूनिवर्स का, वो ट्रुथ डिवाइन है, वो ट्रुथ ईश्वर है, तो आपको तो उसकी तरफ ही जाना है। लेकिन जब ईश्वर की तरफ ही जाना है, तो क्यों किसी से गिले शिकवे रखने। कोई पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहा है, तो चलो उसको माफ़ करो और उससे कहो ठीक है मैं तो भक्ति की तरफ जा रही हूँ, जा रहा हूँ, तुम भी चलो। इस एनर्जी से आपको उनको एक्सेप्ट कर लेना है, और आप उनको एक्सेप्ट करेंगे तो ज़रूर ये आपका रिजेक्शन है, आपका रिजेक्शन का डर है, जो इन्हें फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में ले जा रहा है, कि सोच इन्हें पता है ना कि इन्होंने इतनी गलतियां की है, आसानी से आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, तो उस डर की वजह से हो सके तो आप टेलीपैथी से इनको बोल दीजिए कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें फ्री किया है, ये हमारी जर्नी थी और ऐसा होता ही है, हम दोनों को भक्ति की राह पे जाना है। जो भी आप इनको हीलिंग देना चाहें, उनको हीलिंग दे दीजिए, क्योंकि नियर फ्यूचर, अगर मुझे यहाँ नियर फ्यूचर की एनर्जी फील हो रही है जिसमें ये होपलेस होंगे, तो उस नियर फ्यूचर की एनर्जी संभालने के लिए, जैसे ही आपको ऐसा फील होता है, जैसे ही आपको नियर फ्यूचर का मीनिंग है, आपको जब ही रीडिंग मिलेगी तब आपको फील हो रहा होगा उस टाइम पे कि आप होपलेस हो रहे होंगे, चीज़ें आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा, तो जब आप ये फील कर रहे हो कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा, आखिर कब तक कितना करना है, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी होगी, तो वहाँ पर आपको अपने पर्सन को टेलीपैथी से बोल देना है कि
उनको हील कर देना जैसे आप दे सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंस हो, जैसे आप बात करते हो। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जैसे ही आप होपलेस होते हो उस वक्त आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे ये कहिए, हे ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, हम दोनों को संभालिए, पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए। आपको प्रे दोनों के लिए करनी होगी, दोनों के लिए इसलिए करनी होगी कि आप अगर हील हो जाएंगे, डिवाइन आपको निकाल लेंगे, तो आपका पर्सन तो अभी भी होपलेस है तो वो आपकी एनर्जी फिर शक करेगा, फिर आप फिर डिमोरलाइज हो गए। इसलिए अगर दोनों के लिए प्रे करोगे तो डिवाइन यहाँ भी संभालेंगे और वहाँ भी संभालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर को तो सब पता है, वो सब कर लेंगे। ईश्वर को सब पता है, लेकिन जब तक आप कमांड नहीं देंगे, यूनिवर्स में सब कुछ है लेकिन यूनिवर्स को जब तक आप कमांड नहीं देंगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं तो फिर यूनिवर्स हमें क्यों देगा? यूनिवर्स का तो सिद्धांत है तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा हो जाएगा। यूनिवर्स ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान से भक्ति के की जब बात आती है तो बात अलग होती है। वहाँ भगवान के कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाते हैं कि भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट पे जाएं, यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे जाएं, एनर्जीज के कॉन्सेप्ट पे जाएं, माना कि भगवान भी एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो वहाँ तो आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा बोलोगे तो बुरा हो जाएगा। जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दोगे वैसा हो जाएगा। इसलिए आपको प्रे कर लेनी है कि ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, हमें पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए। जब आप ऐसा करोगे, जब आप ये हीलिंग दोगे, तब आपके पर्सन नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में जरूर आएंगे। फाइव ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन, नाइन ऑफ कप्स से आने का मीनिंग है कि आपकी प्रे से, आपके एफर्ट से आपके पर्सन इस होपलेस एनर्जी से निकल जाएंगे और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। ये फील कर पाएंगे, ये कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि मेरा लव मेरा ही है, मेरा रिलेशनशिप मेरा ही है। अब आप ये मत सोचना कि हम क्यों करें ऐसा। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है तो ये आपकी जिम्मेदारी, आपको करना है। ये वीडियो आपको मिला है तो ज़रूर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे मीडियम से ही, यानी कर तो ईश्वर है, करता तो ईश्वर है, हम सिर्फ दृष्टा है, तो करना तो ईश्वर की है, लेकिन आपके मीडियम से वो करा रहे हैं। तो जब आपको मीडियम बनाया जा रहा है तो आप ईश्वर से मना नहीं कर सकते। पकी पकाई खिचड़ी खा, आप ये नहीं कहोगे हमें सिर्फ पकी पकाई खिचड़ी खानी है, आपको वो करना होगा जो डिवाइन ने आपको कमांड दी है। तो इस वीडियो से आपको कमांड दी जा रही है कि जब आप होपलेस की एनर्जी फील करें तब, अननेसेसरी नहीं, आप जब होपलेस की एनर्जी फील कर रहे हैं तब आपको ईश्वर से ये प्रे करनी है कि ईश्वर हम दोनों के इस एनर्जी से निकालिए, हम पीस एंड हैप्पीनेस दीजिए। तो आपके पर्सन नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, वो आपको पाके ही अपना लव कंप्लीट फील करेंगे। उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि वो चाहे कुछ भी कर लें, जब तक वो आपसे रिलेशनशिप में नहीं आते तब तक उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगी। ये रियलाइजेशन के लिए आपको उनको फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी से निकालना होगा। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक शो कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द स्टार, द सन एंड नाइट ऑफ सोर्स, तीनों ही कार्ड एक से बढ़ के एक पावरफुल एनर्जी के हैं। उनकी उनकी जो सोल है, सोल में एनर्जी उनकी ये है। मटेरियल वर्ल्ड की जो सर्कमटेंसेस हैं उनकी वजह से उनका लॉजिकल माइंड सिचुएशन चेंज कर देता है, एनर्जी चेंज करता है, लेकिन सोल की जो उनकी एनर्जी वो ये है, द स्टार, यानी वो आपको स्टार मानते हो, खुद में भी वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो कुछ भी डिस्टर्ब हो गया वो सब खत्म करके एक हैप्पी बिगनिंग करना चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता संभल जाए, और इसके लिए वो अब देर नहीं करेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो किसी की सुनता नहीं है, अभी किसी की सुनने वाले नहीं है, काफ़ी स्पीड से अभी और आ रहे हैं। मुझे फील हो रहा है कि 12 to 15 days में इनका आपकी ओर कम्युनिकेशन आना चाहिए, या कोई हो सकता है कोई मैसेज आ जाए, बात हो या विजिट हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कम्युनिकेशन फील हो रहा है। और ये इनकी विश है, ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर मेरी 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 बात कराइए, मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेरा रिलेशनशिप फिर से संभालिए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अवेकन हो रहे हैं, ये अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। द सन का मीनिंग है कि सन जहाँ होगा वहाँ जो भी डार्कनेस होगी वो सब खत्म हो जाएगी। अंधेरा खत्म होता है तो सब चीज़ें दिखने लगती हैं। तो इनकी सोल पे पड़ी हुई मैट्रिक्स की लेयर हट रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इन्हें अपने रिश्ते की वर्थ समझ आ रही है। इनको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इनका रिश्ता पास्ट वर्थ का है, इस वर्थ के से ही सिर्फ आप कनेक्टेड नहीं हो, आप पिछले जन्मों से एक दूसरे से मिलते आए, ये बात इनको समझ आ रही है। इसी वजह से ये जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे और डिवाइन से प्रे करेंगे। तो आपके लिए जो सॉल्यूशन यहाँ दिया गया, आपके लिए जो गाइडेंस दिया गया है, वो आप ज़रूर फॉलो करें। आप अपने पर्सन की एनर्जी जैसी भी पिक करते हैं, अगर आप कोई निगेटिव एनर्जी, एंगर की, या फिर जैसे कि होपलेस एनर्जी आई है, तो इस एनर्जी की जब भी फील करते हैं तो आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, और जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसे आप मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन से प्रे कीजिए कि हमें पॉजिटिव एनर्जी में रखिए। अब मैं मूनोलॉजी से चेक करती हूँ कि और इनके क्या इमोशंस हैं। तो मूनोलॉजी से इनके इमोशंस हैं द एंड ऑफ टफ
साइकिल अप्रोच है, देखिए कितना पावरफुल कार्ड आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है उसी को सपोर्ट कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कुछ किसी की सुननी नहीं है, इन्हें अब अपने मन का करना है, और अपने मन का क्या है, इन्हें अपना रिलेशनशिप संभालना है, और उसी को सपोर्ट कर रहा है एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी जो टफ साइकिल चल रही, ऑन एंड ऑफ में आप हैं या सेपरेशन में हैं, तो ये टफ साइकिल अब खत्म होने वाली है। फाइनेंशियली भी अगर आप और आपके पर्सन सफर कर रहे हैं तो वो सिचुएशन भी खत्म हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए कितना पावरफुल है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपके पर्सन ने जो कुछ भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि ये आपकी तरफ आ सकेंगे, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ सकेंगे ये। और आपने जो शिद्दत से इन पर टाइम स्पेंड किया है, जो इनको प्रायोरिटी दी है, उसका वो जो आपने हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप पे, उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है। और उसका रिवॉर्ड क्या है कि आपका रिश्ता फिर से संभल जाए, आप यूनाइट हो जाओ। अब मैं नेक्स्ट डेक से देखती हूँ कि इनके और थॉट्स क्या हैं। इनके और थॉट्स हैं नॉक नॉक, ये कहीं ना कहीं ये आप दिल दिल में आपसे बातें करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं क्या आप तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है, क्या आप आज भी उनका वेट कर रहे हो। आपके दिल का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते हैं, और ये मंदिरों में और कहीं जिस भी रिलीजन से आप हैं, उन टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, किसी का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, भगवान का भी दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भगवान मेरी सुन लो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, दोनों कार्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें। नॉक नॉक यानी भगवान का दरवाज़ा खटखटाना, आपके दिल का दरवाज़ा खटखटाना और प्रे करना कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, कहीं मंदिर जाना, भगवान मेरी हेल्प कर दो, मेरी रिलेशनशिप संभाल दो, कुछ मुझे इनकी ऐसी एनर्जी फील हो रही है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, ये आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा, और ईश्वर से भी इन्हें इंट्यूशन मिल रहे हैं कि ऐसे साइन मिल जाते हैं कि इन्हें लगता है कि हाँ भगवान सब कुछ सुन रहे हैं, सब संभाल रहे हैं। चैरिटी, ये दूसरों की मदद कर रहे हैं, और दूसरों में किसकी मदद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दूसरों की मदद कर रहे हैं। जो लव रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गई ना, उनकी ये मदद कर रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि भैया ये मत करो, मैंने ये गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरा रिश्ता इतना ख़राब हुआ है, तुम मत करो ऐसा। ये दूसरों की ऐसे ही लव के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, जो कुछ भी डिस्टर्बिंग सिनेरियो थे वो उनको समझ आ रहे हैं, लेकिन आपको उनको हीलिंग देनी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईश्वर से प्रे करना है, ईश्वर से अपना कनेक्शन मत छोड़ना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके ईश्वर ही होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी में आप अपने पर्सन को देखिए, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके ईश्वर ही होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही इस रिश्ते को संभाल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वर है, ईश्वर की प्रायोरिटी में रहेंगे तो ईश्वर सब संभाल ही लेंगे, क्योंकि वही संभाल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, जय श्री राधे कृष्णा।